अजमेर के निकटवर्ती ग्राम अजेसर में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर मस्जिद बनाने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना था कि कसरा नंबर 1000 सरकारी भूमि में अंकित है, इस पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने 7 दिनों पूर्व ज्ञापन देकर किया था, जिसके बाद प्रशासन के दबाव में काम को रुकवाया गया। बावजूद इसके अभी फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। परिषद कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए जा रहे धार्मिक स्थल पर रोक लगाई जाए और अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। आज जैसा कि अजमेर के आसपास ग्रामीण जिलों में बोली बली समाज को बहलाकर वहां सरकारी जमीनों पर अवैध धार्मिक मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं, उसके विरोध स्वरूप आज विश्व हिंदू परिषद जिलाधीश महोदय को उस अवैध मस्जिद को हटाने के बाबत आज यहां ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। गत 8-10 दिन पूर्व भी उस अजेसर गांव के ग्रामीण अपने समिति के बैनर तले उपखंड अधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद वो मस्जिद का निर्माण रुका, लेकिन फिर गत कुछ दिनों से वहाँ निर्माण शुरू हो गया है, क्योंकि शासन प्रशासन ने उस निर्माण को हटाया नहीं और वह सरकारी जमीन है जिसका कसरा नंबर 1000 है, उस पर अवैध मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, उसको रोका जाए, जो निर्माण हो गया उसको हटाया जाए। इस बाबत आज भी हिंदू परिषद ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुआ है।